पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात माह चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी से यातायात नियमों का पालन करने के लिए अपील भी की जा रही है। मुरादाबाद के गोगुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने आज पीली कोठी चौराहे पर सभी वाहन चालकों से अपील की कि आप यातायात नियमों का पालन करें। इस दौरान कुछ लोग यातायात नियमों का पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, तो वहीं पुलिस की मदद से उन पर चालान की कार्यवाही भी की गई। इस दौरान SP ट्रैफिक ने पहुंचकर सभी छात्राओं को संबोधित किया कि आपके द्वारा दिए गए संदेशों से समाज में जागरूकता के संदेश दिए जाएंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता अभियान के अंतर्गत गोकुलदास सिंधु गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. चारू मेहरोत्रा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से अपने समाज को सुरक्षित रखना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए महाविद्यालय की सभी छात्राओं को यातायात से संबंधित नियमों को जानना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं का ये कर्तव्य है कि जनता को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत कराएं। इस अवसर पर उपप्राचार्य डॉ. अंजना दास ने छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया। जागरूकता रैली महाविद्यालय से बारादरी एकता द्वार होते हुए पीली कोठी पहुंची, जहां मुरादाबाद के SP ट्रैफिक अशोक कुमार सिंह ने छात्राओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, इसलिए यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ये नवंबर माह यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। हमारा यातायात माह के दौरान फोकस ये रहता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। प्रवर्तन की कार्रवाई तो हमारी चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, लेकिन इस माह के अंतर्गत हमारा प्रयास यही रहता है कि हम कैसे लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे यातायात के नियमों की जानकारी ना हो, लेकिन इसको बार बार हैमर करके हमें हमारी कोशिश ये रहती है कि लोगों को हम निरंतर इसके प्रति प्रतिबद्धता ज्ञापित करें और उनको जागरूक करते रहें। आपके विद्यालय की तरफ से ये पहल आई थी, बहुत निसंदेह प्रशंसनीय पहल है कि हम बच्चों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। आपने इतना सराहनीय कदम उठाया है, आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। साथ ही प्राचार्य डॉ. चारू मेहरोत्रा ने छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हमारी छात्राएं लोगों को सड़क सुरक्षा की जानकारी देंगी तो लोग उसके प्रति और अधिक जागरूक होंगे। उन्होंने अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आम जनता ने जब ये देखा कि हमारे बच्चे ही सड़क नियमों के प्रति सजग हैं, वह हमें जागरूक कर रहे हैं, तो उन्होंने भी सड़क नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना जो इकाई है, इसका काम ही ये इसीलिए ही बनाई गई है कि हमारे युवा जो है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, छात्र के जीवन में ही वो ये सेवा भाव को सीखे। इसके अंदर एक सर्विस कम्युनिटी और दूसरा लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप किया जाता है। इसके अंतर्गत जो हमारे एक सहज जो जीवन, एक अच्छे नागरिक जीवन जीने के लिए जो नियम है, उनको कैसे पालन किया जाता है, ये सब इन लोगों को बेसिकली इसमें सिखाया जाता है। तो आज उसी के तहत ये यातायात सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम आपके सहयोग से हमारे महाविद्यालय में ये लड़कियाँ आयोजित कर रही हैं और सीखेंगी। और मुझे ये पक्का यकीन है कि जब ये बेटियाँ यातायात के कार्यक्रम में यहाँ पर व्यवहारिक रूप से ट्रैफिक में लोगों को बताएंगी कि क्या क्या ज़रूरी है और यातायात नियमों का पालन कितना ज़रूरी है और इसके ना पालन करने से कितनी दुर्घटनाएं होती हैं और कितना नुकसान होता है, आम नागरिकों को ऐसा लगेगा कि हमारे ही बच्चे हमें बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन की सुरक्षा कैसे करनी है। और इसी से शायद ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जब बात सर ने सही कही थी कि जब हम चीज़ को दिल से मानते हैं तो हम उसका पालन करते हैं, जब वो चीज़ें थोपी जाती हैं तो वो हमारी मजबूरी होती हैं, हम उन्हें अनमने ढंग से मानते हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम जो है वो इसलिए भी है कि लोग धीरे धीरे इन चीजों को अपने दिल से मानना शुरू करें। इस अवसर पर मुख्य अनुशासिका डॉ. गीता परिहार ने भी छात्राओं को प्रोत्साहित किया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पवन कुमार ने कार्यक्रम में बच्चों का विशेष रूप से सहयोग किया। छात्राओं ने पीली कोठी चौराहे एवं महिला थाने के पास यात्रियों को सड़क सुरक्षा के नियमों का महत्व बताया। साथ ही जो व्यक्ति दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट के थे, उन्हें हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे और उनका परिवार सुरक्षित रह सके। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के शिवी, जैनब खान, अधीना, ईशा, महक, फयामा, शैली आदि छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रेणु शर्मा और डॉ. शिफाली अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर डॉ. कविता भटनागर,
डॉक्टर सुधा सिंह, डॉक्टर प्रीति पांडे और डॉक्टर प्रेमलता कश्यप, शिवानी गुप्ता आदि उपस्थित रहे।